जो कि छठ महापर्व का व्रत इन्होंने उठाया है। आज हम इसे जानते हैं कितने दिनों से ये छठ का व्रत रहती हैं और कहाँ से आई हैं। हाँ, आप कितने दिनों से व्रत रह रही हैं छठ का पर्व? 11 साल से रहती हैं। क्या आप छठ पर्व जब से रह रहे हैं कुछ ऐसी कामना है जो छठ के प्रति ऐसी आस्था हुई कि आपने छठ पर्व रहना चालू कर दिया, कोई ऐसी मनोकामना पूर्ण हुई है कि छठ माता के प्रति आपकी जो आस्था है ये बनी है? जी, मेरा मतलब बाबू नहीं हो रहे थे तो हम माता जी से मन्नत मांगी कि माता जी हमारा एक बच्चा हो जाएगा तो हम छठ व्रत रहेंगे। माता ने मेरी मनोकामना पूर्ण की, तब से हम छठ व्रत रह रहे हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति पे इन्होंने छठ माँ का व्रत रखा और इनकी माँ छठ माता ने इनकी मनोकामना पूर्ण की, इसलिए ये छठ के प्रति इतनी आस्था है कि ये देखिए आज ये छठ व्रत कैसे रहती है। आप ये व्रत कैसे रहती है, किस टाइप से रहती हैं? हम जितना सीजन में फल मिलता है उसको एकत्रित करते हैं, जो भी सामान मिलता है हम उसको मतलब श्रद्धा पूर्वक से सब मतलब धुल कर साफ सुथरा करके यहाँ पर दौरा भर के ले आते हैं और पूजा करते हैं छठ माता का। व्रत कैसे रहता है? शाम को सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं, सुबह अर्घ्य देती हैं, कैसे देती हैं? शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अभी हम जानते हैं दूसरे बहन जी से, आप ये छठ पर्व कब से रह रही हैं? पहला साल आपका है। अच्छा, पहला साल है तो किन मन्नतों के साथ आपने व्रत उठाना चालू किया है आज? लड़के के लिए मन्नत मांगी थी, उसके लिए रह रहे हैं। लड़के की मन्नत मांगी हो गया है कि लड़का आया? इनका देखिए, इन्होंने मन्नत मांगी भगवान से कि छठ मैया हमको एक पुत्र दे दो और आज इनकी मन्नत पूरी हुई है, तो उन्होंने अपना भगवान के प्रति श्रद्धा देने के लिए आज छठ माँ का व्रत रहा। तो कैसा लग रहा है पहला वर्ष आपको व्रत रह? अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपकी पहला वर्ष पूरा हो गया, अच्छा लग रहा है। अभी देखिए इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आ रही हैं? गोरखनाथ जी। चलिए, तो गोरखनाथ से आप कितने वर्षों से व्रत रह रही हैं? 11 सालों से। अच्छा, आपके घर के लोग हैं साथ में रह, आप भी कुछ मन्नतें अपनी पूरी की होंगी तब छठ माता के प्रति आपकी आस्था है तो आप व्रत रही होंगी? पुत्र कामना के लिए। देखिए, काफी आस्था है लोगों में कि छठ माँ से पुत्र हम मांगेंगे, माँ मुरादें पूरी करेंगी और पुत्र रथ की सबको प्राप्ति हो जा रही है। आप छठ का व्रत कितने वर्षों से रह रही हैं? 15 साल से रह रहे हैं। बीते 15 वर्ष से आप छठ का व्रत रह रही हैं और ऐसी कोई कामना छठ माँ से मांगी जो आपकी कामना पूर्ण हुई, उनकी आस्था के प्रति आप छठ रहने लगी, कोई ऐसी कामना थी जो आपकी पूर्ण हुई है? जी, हम अपनी नौकरी के लिए माने थे तो मेरी नौकरी पूरी हो गई तो हम छठ पूजा व्रत करने लगे। किस विभाग में आपकी नौकरी लगी है और कितने वर्ष पहले नौकरी लगी थी आपकी? 2000 में मेरी नौकरी लगी है और हम PWD में स्टेनो के पद पे। देखिए, इनको छठ माता के प्रति इनकी ऐसी आस्था है कि इन्होंने अपना नौकरी का एक मन्नत मांगा, इनकी नौकरी की मुराद पूरी हुई है और इन्होंने छठ माता को 15 वर्षों से छठ माँ का व्रत रहते हैं। किस विधि विधान से आप छठ का व्रत रहती हैं? आप जो छठ मैया का विधि विधान है उसी के अनुसार हम छठ व्रत करते हैं। ऐसी मान्यता है कि डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं और कल उगते हुए सूरज को अर्घ्य दे करके छठ माँ का व्रत तोड़ करके छठ माता का पारण कल ही करेंगे आप लोग। कितने दिनों से व्रत हैं आप? हम 3 दिन से व्रत हैं। 3 दिन जी। कैसी मान्यता है? पहला है नहाए धोए, मतलब लौकी चना का दाल और लौकी की सब्जी खाया जाता है, और दूसरे दिन है खरना जो खीर और रोटी के साथ खाया जाता है केले के पत्ते पे, कल जो था, और आज है बड़ी माँ का व्रत, मतलब छठ मैया की बड़ी माँ का व्रत, तो आज पूरे दिन 24 घंटा व्रत रहेंगे नीरा जल। कल फिर अर्घ दे करके भोर का मतलब सुबह का सूरज निकलने वाला उसका अर्घ दे करके फिर हम लोग पारण करेंगे जी। आई समय अस्त का होता है, मतलब सूरज जब अपने माँ के गोद में जाते हैं तो हम लोग उसका अर्घ देते हैं, मतलब आरती उतारते हैं कि माँ के गोद में जा रहे हैं। आप ऐसे ही निरंतर व्रत रहते रहेंगे जब तक? जी, ऐसे ही व्रत रहते रहेंगे। देखिए, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। आप घर को जा रहे हैं और कल सुबह फिर आएंगे। हमें अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो यहाँ लोग दिखाएं, लोग कितने अपार भीड़ के साथ आ रहे हैं। लोग यहाँ पे नागरिक सुरक्षा संगठन के
लोग आए हैं और ये छठ पर्व में अपनी सेवाएं देते हैं। आप कितने वर्षों से सर यहाँ? नागरिक सुरक्षा कोर्स। क्या नाम है आपका? डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव। विजय कुमार श्रीवास्तव जी, कितने वर्षों से आप छठ पर्व में यहाँ पे सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन, NDRF टीम और नगर निगम के द्वारा, और आप लोग भी यहाँ पे सुरक्षा देते हैं। कैसा लगता है यहाँ पे लोगों की सुरक्षा करके और छठ को देखकर? लोग तो काम भाव से सेवा करते हैं, किसी प्रकार का कोई हम लोग का पेमेंट तो होता नहीं है, तो हम लोग को सेवा करते हुए सबसे अच्छा लगता है कि कम से कम सभी लोगों को सुरक्षा।